और चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सोमवार को कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया और अब इस पूरे मामले में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पोस्ट कर लिखा कि ईडी का शर्मनाक राजनीतिक दुरुपयोग साबित हुआ और मोदी सरकार बेनकाब हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि ईडी भाजपा के इशारे पर हर मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाकर विपक्षी दलों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। विधानसभा चुनाव के समय ईडी ने शराब घोटाले का मामला दर्ज किया और बीजेपी को चुनावी हथियार दिया। बीजेपी ने पूरे चुनाव में कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पोस्ट किया है बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उन्होंने पोस्ट लिखा है बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। प्रतिद्वंदियों को बदनाम करने का यह तरीका निकाला गया है। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पोस्ट किया।